हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका बिग बॉस के अड्डे में। मैं हूं आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है प्रशांत और दर्शिका। दोस्तों, बिग बॉस के घर में आए दिन काफ़ी ज़्यादा घमासान देखने को मिल रहा है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रशांत से कि कल के एपिसोड में क्या देखने को मिला। यास्मीन, कल के एपिसोड में मतलब इतना कुछ, कल लड़ाई झगड़ा तो खास नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, कल फराह खान आई थी, उनकी अदालत थी, उन्होंने मुजरिम खड़े किए घर वालों ने ही अपने हिसाब से, और फिर उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करी गई, जो जिन चीज़ों को लेकर उनके मसले लड़ाई झगड़े हुए थे उस चीज़ के ऊपर, जहाँ आसिम का एक चाय के ऊपर मुद्दा था वो पॉइंट रश्मि की टीम को मिल गया, वहीं दूसरा एक माहिर और सिद्धार्थ को लेकर के था, जिसमें माहिरा ने उस पर लगाया था कि वो बहुत एग्रेशन हो जाते हैं उसको लेकर के टास्क के दौरान, तो ये पॉइंट सिद्धार्थ को मिल गया। फिर तीसरा डिस्कशन जो था वो था रश्मि पे आरोप लगाए थे सिद्धार्थ ने उनकी टीम ने कि वो झूठी हैं, दोगली हैं, ये हैं और वो हैं, इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिली। रश्मि भी काफ़ी चिल्लाई, सिद्धार्थ भी काफ़ी चिल्लाए, लेकिन फराह खान अपने लास्ट डिसीजन पे पहुंची ही नहीं, उनको ये वाला रद्द ही करना पड़ा, क्योंकि वो बोल काफ़ी उन्होंने चुटकी भी लेती नजर आई, उन्होंने ये भी बोला कि मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे जब तक तुम्हारी सॉर्ट आउट नहीं होगा, और तुम में इतनी शिद्दत वाली नफरत दिख रही तो तुम में ज़रूर प्यार भी होगा। तो अगर ये दोनों, एक तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग हैं और अभी 2 महीने बचे हुए हैं, अगर इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, कुछ भी अच्छा लगता है, वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने को। तो यही कल सब कुछ देखने को मिला। खैर, ये तो मतलब सलमान ने पहले ही कह दिया है कि सिद्धार्थ और रश्मि की बॉन्डिंग इसी तरह की लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन एक चीज़ और है दर्शिका यहाँ पर कि शुक्ला को लेकर मतलब ऐसा लग रहा है कि वो क्या उनके 2 चमचे हैं वहाँ पे घर में, आरती और आसिम को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है यास्मीन कि जैसे शुक्ला जो हैं वो टीम लीडर ही दिख रहे हैं एक तरफ से, जैसे उनके बॉस हों, मतलब जो शहनाज हैं, आरती सिंह हैं, आसिम हैं, ये तीनों इनके पीछे चल रहे हैं, जो ये बोलते हैं वही करते हैं, और कुछ भी अगर उन्हें आगे बोलना, स्टैंड लेना होता है, किसी चीज़ को बोलना होता है, तो वो ज़रूर उससे सलाह मशवरा करते हैं कि मतलब मैं ये करूँ ना करूँ, या जो भी बाहर चीज़ें हो रही होती हैं वो आके सबसे पहले सिद्धार्थ को बताते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफ से उनके बॉस बने पड़े हैं, वो बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो वो सारे लोग उनके आगे पीछे उनकी राह पे ही चल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वो मतलब चमचे ही हैं दोनों। लेकिन शहनाज हैं वो ज़्यादा नहीं घुसती हैं कि मतलब वैसे वे उनके साथ ही हैं, बट वो दूसरी टीम में भी जा रही हैं, तो वो ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे आरती सिंह का और आसिम का तो लगता है कि वो दोनों एकदम चमचे बने पड़े उनके। क्या लगता है प्रशांत, कल भी ऐसा देखा गया था कि आसिम रियाज जब कटघरे में आए थे तो वहाँ पे रश्मि उनसे कुछ सवाल कर रही थी, लेकिन वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला ही उनके बिहाफ में जवाब दे रहे थे, उन्हें नहीं बोले थे, क्या लगता है? डेफिनेटली उनको, सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं लग रहा था कि आसिम उस चीज़ को ढंग से बोल पाए ना बोल पाए, अपने पक्ष को, अपने पॉइंट को अच्छे से मजबूत तरीके से रख पाए, इस वजह से सिद्धार्थ खुद ही बोल रहे थे, जो कि ठीक नहीं था, उन्हें खुद बोलने का मौका देना चाहिए था। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को जब से शो शुरू हुआ है, मुझे क्या लगता है कि एक आरती और एक आसिम, यही दोनों हैं जो कि सिद्धार्थ के चमचा और चमची बने हुए हैं जब से शो शुरू हुआ है। अगर आप देखो भी, कभी भी कोई टास्क की बात होती है, सिद्धार्थ सीधा ही अपना दिमाग मत लड़ाना, अपना दिमाग मत चलाना, जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना, पूरा अपना मास्टरमाइंड वाला वो दिमाग लगा करके खेलते हैं। तो इस तरह से तो पारस छाबरा को भी देखा गया है कि वो भी वहां पे लीड करते हैं, मायरा को बताते हैं, तो क्या वो भी बॉस बने हुए हैं? माहिरा को बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टीम की जो है रश्मि देसाई है, वो रश्मि बताती हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्लान्स बनाती हैं। जो रश्मि और पारस वाली टीम है उसमें लोग सब दिखते हैं अलग अलग, सबकी एक चाहे वो नेगेटिवली दिख रहे हैं, पॉजिटिवली दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दिखती हैं। शहनाज गिल इस वजह से भी दिखती हैं क्योंकि शहनाज प्रॉपर तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की चमची वाला काम उन्होंने किया ही नहीं है, वो दोनों साइड जाती हैं, और शायद यही वजह है कि कल के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला ने, जब पारस से शहनाज गिल बात भी कर रही थी, उस दौरान सिद्धार्थ ने आसिम से उनको बात करते देखा गया कि शहनाज गिल पे ज़्यादा विश्वास मत करना और उनको ज़्यादा चीज़ें मत बताना, कहीं ना कहीं उनका अब कनेक्शन टूटना सा मुझे लग रहा है, क्योंकि शहनाज दूसरी तरफ भी जा रही हैं, कहीं ना कहीं शहनाज एक तरफ नहीं दोनों तरफ से खेल रही हैं, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। रही बात आरती और आसिम की, तो आरती तो कुछ करती ही नहीं है, आसिम को तो फिर भी थोड़ा एग्रेशन करते हुए देखा गया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों पे थोड़ा बोलते भी हैं, लेकिन आरती तो पूरा ही सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर ही डिपेंड पीछे होकर खेल रही हैं। अगर तुम एक बात देखो, जब सिद्धार्थ शुक्ला जेल में गए थे उस दौरान भी आरती ही वहाँ बैठी रही, बिल्कुल एकदम लग के, और कल
कल देबोलीना को भी बात करते देखा गया कि जहां पर उसने बोला कि पारस का और माहिरा का कनेक्शन एकदम साफ एंड क्लीन दिख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का और आरती का कनेक्शन जो है वो क्लीन नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ है दोनों के बीच में ऐसी चीजें, तो वो उन्हीं के साथ ही खेल रही हैं। और आसिम रियाज तो बिल्कुल जो सिद्धार्थ शुक्ला बोलते हैं वही करते हैं, कहीं देखते ही नहीं है। प्रशांत, ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफ जो है 6 लोगों की टीम है, दूसरी तरफ जो है सिर्फ 4 लोगों की टीम है, तो फिर यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए यहाँ पर अगर शुक्ला बोल भी रहे हैं तो क्या वहाँ पे वो गलत कर रहे हैं? अगर वहाँ पे 6 लोगों की टीम है तो वो तो एक साथ अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर वो 6 लोगों पे अकेले भारी पड़ रहे हैं और दिख रहे हैं, जैसे फराह खान ने भी इस चीज़ को बोला। हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रुप खुद सिद्धार्थ शुक्ला का अपना बना हुआ है उस ग्रुप को तो वो लीड कर ही रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप में 4 होने के बावजूद भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो अकेले ही हैं, क्योंकि जो आसिम और आरती हैं वो उनके पीछे ही खेल रहे हैं, वो तो आगे दिख ही नहीं रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वो उनके ज़्यादा चमचा चमची नज़र आ रहे हैं। और बात रही ग्रुप की, तो हाँ ये बात मैं भी मानूंगा कि पारस वाले ग्रुप से ज़्यादा अच्छा सिद्धार्थ शुक्ला का ग्रुप है, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली टास्क में अच्छा परफॉर्म करके जीत रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ का ग्रुप तो अच्छा है, वो लोग टीम वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी चलाते हैं सारी उसमें, सभी चीज़ में डिसीजन खुद ही लेते हैं, सुनते भी नहीं हैं। जैसे कि कल शहनाज गिल को देखा तुमने, शहनाज गिल अपनी बात रख रही थी, उनको बात रखने का मौका ही नहीं मिला, वो गुस्से में चली गई। फिर उसके बाद अंदर आसिम और सिद्धार्थ अंदर जाते हैं, तब उनको समझाते हैं, तब वो बोलते हैं मुझे तुमने बोलने ही नहीं दिया। तो इस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो दूसरी टीम में भी अब जाएंगी। तो सिद्धार्थ शुक्ला की यही मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने साथ जो उनके ग्रुप वाले हैं उनकी भी बात रखने का पक्ष रखना चाहिए, उन्हें भी सुननी, उनकी भी सुननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ अपने ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आसिम का इतना दिमाग है या आरती में इतना दिमाग है कि वो चीज़ें कर लें, क्योंकि टास्क में भी देखा जाता है तो मतलब अपने हिसाब से अगर वो खेल लें तो मुझे नहीं लगता वो जीतेंगे। पहली बात तो कोई नहीं होता किसी को ये कहने वाला कि किसमें दिमाग है कि नहीं है, अगर वो दिखता है। पता है क्यों? एक सेकंड मेरी सुन लो पहले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आरती जब भी कुछ टास्क करती हैं या फिर घर में भी वो ज़्यादा नहीं दिखती, हर चीज़ में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम का भी स्टैंड लेते हुए मुझे हर बार सिद्धार्थ शुक्ला ही दिखते हैं। तो मुझे गलत नहीं लग रहा कि वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, और सबसे अच्छी क्वालिटी तो उनकी ये है कि अगर वो 4 लोग 6 लोगों पर भारी पड़ रहे हैं तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना कि वो 4 लोग 6 पे भारी पड़ रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला खुद हर चीज़ को कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बाकी के कंटेस्टेंट फीके पड़ रहे हैं। लेकिन शहनाज गिल के साथ ऐसा नहीं है, शहनाज गिल बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ रही है सिद्धार्थ शुक्ला के आगे। एक तरीके से कहूँ तो सिद्धार्थ शुक्ला और पिछले टास्क में भी शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला ही छाए रहे, चाहे वो उनके ऊपर गंदे कमेंट्स करे। बोलना चाहूंगी शहनाज का यहाँ पे ये, जैसे उनको थप्पड़ पड़ा था, चाहती तो वो इशू बना लेती, थप्पड़ नहीं मारा था लेकिन वो चाहती तो इशू बना लेती, बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेती, और कई बार वो फ्लो में या फिर मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे शिफाली का उनका झगड़ा हुआ था टास्क के दौरान, तो उस टाइम पे शहनाज ने खुद सॉरी बोला, इतनी उनकी गलती नहीं थी क्योंकि करेक्टर पे तो वो आई थी ना, तो उस टाइम भी शहनाज ने सॉरी बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शुक्ला को ये लगता है कि ये मतलब ऐसे उनके भावनाओं में ना बहके उनकी तरफ हो जाए, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्ची हैं ये समझ के उनको बात नहीं रखने देते कि ये कहीं गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि उनका वो चाहे कुछ भी कर रही हैं लेकिन वो सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर रही हैं। कल फराह खान ने भी बोला वो अच्छी दिख रही हैं, तो ज़बरदस्ती चीज़ में घुसना और एक्शन लेना थप्पड़ मारने के ऊपर, और रही बात उनके करेक्टर पर, तो उन्होंने काफ़ी बवाल क्रिएट करा, उन्होंने चीज़ें बोली, यहाँ तक कि उन्होंने शेफाली बग्गा को भी गाली दी थी उसी चीज़ को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शेफाली की गलती थी, अगर तुम शुरू करोगे तो तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा। बचकानी हरकतें वो करती हैं और घर वाले भी सोचते हैं कि बच्ची, और सिद्धार्थ शुक्ला ये कहते हैं कि वो बच्ची है, तो मुझे इसलिए लगता है कि वो उसका स्टैंड नहीं लेने देते, उनको कहने नहीं देते बात कि कहीं उनका गेम प्लान जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो अपने दिमाग से उन 4 को चला रहे हैं, 3 को जो है, क्योंकि वो अपनी टीम को भारी रखना चाहते हैं दूसरे। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि 4 लोगों की जो टीम है उसमें से भी अब लग रहा है कि शहनाज जो है वो दूसरे की तरफ डिवाइड होते जा रही है, दूसरे की तरफ जाते जा रही है, तो
क्या लगता है कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ट्रस्ट खो रही है शहनाज पर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरी टीम में जाएंगी, क्योंकि बस ये है कि वो पारस को नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे। वो पारस के लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो है, और वो चाहे कितनी भी उनके बीच लड़ाइयाँ हो जाए, बहुत बार ऐसा देखा गया बहुत गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी, फिर भी वो पारस के पास जाती हैं, उनसे बात करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ये शुक्ला को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, ये दोनों तरफ जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टीम को शहनाज छोड़ेंगी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि इसने बोला कि वो दूसरी टीम में नहीं जाएंगी, मुझे भी नहीं लगता वो जाएंगी, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी पारस को बोल चुकी हैं कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है गेम में, वो पारस के ऊपर गेम में ट्रस्ट ही नहीं कर सकती हैं शहनाज गिल। तो वो भले ही उनसे बात करती हैं, क्योंकि एक कनेक्शन होता है तो दुश्मनी तो होती नहीं है, वो बात करते हैं आपस में दोनों, चाहे बाकियों में लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन वो एज अ गेम खेलने के लिए या जो भी है वो रहेंगी सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में। अब वो बात तो खैर आने वाले एपिसोड्स में देखने को होगी कि अगर ट्रस्ट टूटता है कि नहीं प्रॉपर, अगर वो अगर उधर टीम में ज़्यादा जाती हैं, अगर देखो अगर वो बातें नहीं बताएंगे अब उनसे छिपाएंगे तो कहीं ना कहीं दरार तो पड़ेगी। कि अगर वो उस टीम में गई ना तो वो शहनाज कहीं की नहीं रहेंगी, ना इधर की ना उधर की, क्योंकि जो शुक्ला की टीम में ये हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं इस टाइम पे, और उनकी टीम उससे पसंद ही नहीं करती शहनाज को, जो दूसरी वाली टीम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उस टीम में चली गई तो कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करेगा, और वो दोनों तरफ से ट्रस्ट खो देंगी और वो कहीं की नहीं रहेंगी घर में। तो मुझे ऐसा लगता है वो वहीं रहेंगी शुक्ला की टीम में। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई शुक्लाज और छाबराज की टीम की, अब बात कर लेते हैं मिडविक एविक्शन की। तो जहां खबरें आ रही हैं प्रशांत की, आरती सिंह जा सकती हैं इस बार, तो इस पर क्या कहना चाहोगे तुम? मैं ये कहना चाहूँगा यास्मीन, आरती का नहीं मुझे लगता, जैसे कि बताया जा रहा है कि तीन कंटेस्टेंट, जैसे सभी नॉमिनेट हैं उनमें से तीन कंटेस्टेंट्स हैं जिनको सबसे कम वोट्स मिले हैं बताया जा रहा है, जिसमें माहिरा शर्मा, आरती और सिद्धार्थ डे हैं। और खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि सिद्धार्थ डे जो हैं वो घर से आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्हें बेघर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है, और वैसे भी सिद्धार्थ डे को ही जाना चाहिए, जो पिछले हफ्ते उन्होंने हरकत की है उस वजह से भी, और वो शो में मुझे कुछ करते नहीं दिख रहे हैं। इवन आरती भी कुछ नहीं कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो वोट्स के थ्रू दर्शकों को, फैंस उनको बचा लेंगे और सिद्धार्थ डे आउट हो सकते हैं। क्या लगता है दर्शिका इस चीज़ पर तुमको कि सिद्धार्थ डे जाएंगे आरती सिंह, क्योंकि दिखाया गया है कि आरती सिंह, जैसा कि अभी एक खबरें इस तरह की है कि आरती सिंह निकल जाएंगे? नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है कि जो सिद्धार्थ डे, माहिरा और आरती सिंह खड़ी हैं, तो आरती सिंह वहाँ से बेघर होती हैं, क्योंकि उनका जो बर्फ़ की सिल्ली का कुछ था टास ऐसा कि बजर बजाएंगे तो ऐसा दिखेगा, तो आरती सिंह का जलता हुआ दिखता है। तो पर मुझे ऐसा लगता है जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में ट्विस्ट ऐसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ डे जा सकते हैं। मुझे वैसे भी उनका जो गेम चल रहा है इस टाइम पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, उनका गाली गलौज जिस तरीके से उन्होंने शहनाज के साथ किया, तो मुझे ऐसा लगता है वो जाने चाहिए, और मैं भी यही चाहती हूँ। वेल, तो दोस्तों ये थी कल के एपिसोड की पूरी हाइलाइट्स, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सच में आसिम रियाज और आरती सिंह सिद्धार्थ शुक्ला के चमचे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिग बॉस का अड्डा देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।